मस्त वाले एकदम से सुबह कर रखी है, बहुत ही बढ़िया वाली। थोड़े थोड़े कुहासे हो रखे हैं और चिड़िया का उधर तो चहचहाना हो रहा है, तो बहुत ही बढ़िया वाला व्यू बन रखा है। मॉर्निंग टाइम में ऐसे उठ के तो बहुत ही अच्छा लगता है किसी को भी देखना, मेरे को तो वैसे बहुत ही अच्छा लग रहा है वाकई में। मैं तो बहुत दिन के बाद सुबह 4 बजे उठा, तो अभी 5 हो रहे क्योंकि 4 बजे उठा था, लेकिन उसके बीच में कुछ काम किया और फिर अभी जाके मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। क्या मस्त वाली, सारे खाने की तलाश में निकल गए। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस फिलहाल अभी हमारा कहीं और जाना हो रहा है, सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। फिलहाल हमारा हमारे पहले भी जहाँ हमारा आना हुआ आपने देखा भी होगा, तो ये घर भरिया बार वाला फील्ड है और यहाँ पे भी दिया ये शॉर्ट्स बनाने के लिए। तो शॉर्ट्स कुछ ऐसा बनने वाला कि एक साइकिल रहने वाली, साइकिल पे भी हाथ छोड़ के चलाने वाले जैसे कि मैं अभी चला रहा हूँ और साइकिल मेरी चल रही है ऐसे। वही बांस है जो कि हमारी कुछ पिछले वाले व्लॉग में बहुत सी चिड़ियाँ यहाँ पे उड़ रही थी और ये चिड़ियों का बसेरा है, अभी भी बहुत सी होगी लेकिन कोई नहीं, हम चलते हैं अभी तुरंत से क्योंकि वो दोनों बहुत ही आगे निकल गए, बिकॉज वो स्कूटी से हम साइकिल से। आप देख सकते हो मतलब कैसा होता है शॉर्ट्स के लिए, काम इतना हो यार, अपनी भी हो गई। तो गाइस वीडियो बनाने के लिए भी ऐसा जगह चूज़ किया गया ना जो कि घर से बहुत ही ज़्यादा दूर है, और इधर तो हम एवरी डे नहीं बट फिर भी 1-3 डे के गैपिंग में तो आया ही करते। तो अभी आगे साइड गई है और उस जगह का नाम है मोहंडरा, बस ज़्यादा दूर नहीं, बस आ गई एक बड़ा वाला फील्ड जहाँ पे रेड वाली मिट्टी ज़्यादा मिलती है, तो वहीं पे जाना। हाथ छोड़ के चलाने के लिए भी दी को 4 से 5 दिनों की प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, आई थिंक 10 दिन हो सकते क्योंकि मेरे हिसाब से हमने 4 दिन देखा था और दी पहले से भी जाया करती होगी तो आई डोंट नो, बट 10 से 15 दिनों की प्रैक्टिस हुई थी तब जाके दी हाथ छोड़ के चलाना सीखी थी। वैसे तो नॉर्मली वाला तो सबको आता है घर में क्योंकि सब बचपन में ही सीखे थे, मैं भी घर से रेडी होके आना हुआ, बस यहाँ पे एक सॉन्ग चूज करना और फिर वीडियो बनाना है, तो प्रैक्टिस तो हो रखा है पहले से, बस तुरंत से बोलना है जो सॉन्ग चूज ही हो रहा है। और इस ग्रुप का हेड जो है सो वो ये है, तो सारी व्यवस्था कर ली गई है, उसके लिए ब्लूटूथ भी लाया गया जो कि ये साइड है क्योंकि ड्राइविंग के टाइम में तो गाना सुनाई नहीं देगा, उसके अनुसार परफॉर्मेंस भी नहीं होगा, तो ब्लूटूथ तो पहले से ही है। क्योंकि ऐसा दिन बन रहा जिस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी, वैसे तो पसीना आ ही रहा है और इस गर्मी में वीडियो कैसे बनेगा, आई थिंक 1-2 बनने वाला फिर चलना है घर, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रखी है, सारे को पसीना आने लगा। हम कुछ ऐसे हो रहे हैं, बीच में जानवर आ जा रहे, रुकना पड़ रहा है, फिर चलना पड़ रहा है, फिर ब्लॉग शूट होना पड़ रहा है। हाँ मौन रखे आ जाओ, और इससे ब्लॉग आई मीन शॉर्ट्स होने वाला, चलते हैं। वन वीडियो इज शूटेड एंड बढ़िया परफॉर्मेंस आप 2 बार करना पड़ा, एक बार में तो गंदा रहा, सेकेंड बार में अच्छा रहा बट थोड़ी प्रॉब्लम आई, हिल रही थी बार बार। तो क्या लंबी चौड़ी गाड़ी है, इधर से ही निकला पहले, वापस से हमारे उसी जगह पे आना हुआ जहाँ से हमारा जाना हुआ था, तो वो जगह ये पे और बैक साइड में ये दी, तो मतलब आपको पता ही होगा शॉर्ट्स बनाने में कितनी दिक्कत होती है, वो भी गाड़ी के साथ। हाँ सेट है, करने दे एक बार और सेट कर ले, वीडियो इज कम्प्लीटेड है, सारे तो चल दिए घर के लिए, अब गलत हो गया मेरे साथ, वाकई में मेरे को लग रहा है गलत हो गया, मतलब जिसको वीडियो बनाना था वो स्कूटी पे आई, स्कूटी पे गया और मेरा तो हिलना हो रहा है बस, क्योंकि इधर का रास्ता तो आपको पता ही एकदम से डेंजर है और सारे पत्थर भी निकले पड़े हैं कुछ ये साइड के, तो वैसे तो मेरे साथ बुरा हुआ ही क्योंकि मेरा आना भी हुआ साइकिल से, जाना भी हो रहा साइकिल से, और भैया का तो गाड़ी पे आना हुआ और जाना भी हुआ। वैसे तो वीडियो अच्छी बन गई हमने देखा और खुद से ही तो शूट किया था, बस भैया तो बाइक ड्राइविंग कर रहे थे, ड्राइविंग करते हुए आए, ड्राइविंग करते हुए गए, ना उनको मोबाइल पकड़ना ना पड़ा ना और कुछ करना पड़ा, बस मेरे को ही, तो कोई नहीं होता है, मैं तो कैसे कर लेता हूँ यार अकेले, अरे यार हो जाता है, क्वेश्चन भी मैं ही कर रहा हूँ, आंसर भी मैं ही दे रहा हूँ, ये समझ लीजिए, क्योंकि मैं ही कहता हूँ कि मेरे को सारे काम करने पड़े। भैया ठीक है मेरे को सारे काम करने पड़े, अब मेरे मन को तो कोई ना समझा सके, मैं तो जाता हूँ, मैं खुद से वीडियो क्रिएट करता हूँ, खुद से अपलोड करता हूँ और दी भी खुद से करती, बस फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि उन्हें बाहर आना पड़ा वीडियो अपलोड कर, मतलब शूट करने के लिए, वो भी बाइक से और साइकिल से, वरना फिर तो घर में ही होता था छत्ता पे। कोई नहीं, इस सुनसान वाले रास्ते में मेरे को अकेले जाना हो रहा, पीछे भी कोई नहीं, आगे भी कोई नहीं और बीच में हम, क्या हो रहा है यार, सुनसान है तो क्या हुआ, दिन है ना, बस वही फर्क पड़ता है कि रात हो तो डर, दिन हो तो खुशी।
अरे भी हमारा घर आना, अरे भी वापस से जाना हो रहा है आज, क्योंकि मार्क्स को है रेफरल में कुछ काम, तो भी हमें जाना ही पड़ रहा, वरना फिर नहीं, वो भी धूप कर रखा बहुत, वो तो उस टाइम ही पता चला था, लेकिन अभी थोड़ी कम हुई, लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा। गाइस आई डोंट नो, मेरे को ना एक प्रॉब्लम है, कभी कभी ना मेरे माइंड को लगता है कि ये जो करता हूँ इससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक नहीं हुए। मैं उसको बार बार समझाते रहता हूँ, माइंड को कोई समझाता, लेकिन मैं समझाता हूँ हाँ जी करो करो करो, बोलता है इतना टाइम हो गया, इतने में कुछ फ़ायदा नहीं होता। अब क्या होगा यार, ये जो है ना आदमी को सुधार भी सकता है और ख़त्म भी कर सकता है। आई नो ये मेरे साथ ही नहीं, हर एक के साथ होता होगा। तो फिलहाल चलते हैं हम डूम चार्ज, क्योंकि ये तो मैं बंद नहीं करने वाला, मेरा रेगुलर रहने वाला है। रेडी फॉर गो माँ, चली कम इन। क्या बात है, अंधेरे से उजियारा। अभी टाइम हो रहा है 2:41, देखते कितना माता होता है जी, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, माँ का प्यार तो माँ का प्यार ही होता है। और इधर भी इसी मतलब कैसे एकदम से माँ है, सो अपने बछड़े को सफ़ा कर रही है चाट चाट के। और ये साइड भी कुछ वैसा ही चल रहा है, और वो साइड भी कुछ वैसा ही सीन, मतलब प्यार इतने हो रहे हैं कि बछड़े को सोना पड़ गया। फाइनली वर्क इज कम्प्लीटेड, और अभी हो रहा है टाइम 3:48, 2:41 में हाँ दो कॉल आए थे। वैसे भी ऐसा लग रहा है ना कि फिर से जाना पड़ेगा डूम चार्ज, क्योंकि आधे टाइम स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया, तो उसको लेके जा नहीं सकते, तो फिर आज का बाइक से जाना है फिर से और पेट्रोल लेके आना, तो कितना जाना पड़ रहा है यार। और कुछ काम भी, सामान भी लेना आई थिंक। माँ कुछ ही मंगवाना है, रोड लग हो गया, नहीं जाना हो रहा है, क्योंकि जिसको जाना था वो तो खुद से चले गए। कहीं डूम चार्ज जाना नहीं हो, लेकिन यहाँ पे फिर से घास ले आने हो गया, बिकॉज गाय को तो एवरीडे घास खाना ना होता है, क्योंकि अभी वो बच्चा देने वाली है 2 से 3 माह में, 5 माह उस टाइम था, 4 माह इतना ही होगा। गाय हरी हरी घास नहीं खाएगी तो बच्चे भी फुर्तीले नहीं आएंगे, तो कोई नहीं। और ये साइड कल की बारिश ने एकदम से पूरे डोभा को भर दिया, और वो साइड घास कट रहा है फूआ का, मक्के ना दिख तो रही है, पीला पीला साड़ी पहन। वो दादी घर में नहीं देखा मैंने, घास एरिया पे ओके बोरा में डाला ले, तो बोरा यहाँ घास से आगे बोरा कहाँ है पुआ है मिला जी मिला ब्लैक वाला नहीं, ये तो छत्ता है। अरे यार ये क्या हो गया, जाम लग गया, दरार आ गई इसके जड़ के पास, कोई नहीं यार ये तो छत्ता, लेकिन बोरा कहाँ पे है फुआ, ए फुआ कहाँ पे बोरा, फुआ को बोलना चाहिए ना कि खेत के सबसे लास्ट में है, तो यहाँ पे है। अब फुआ बोल रही ये आयरी के साइड, तो मैं कहाँ देख रहा था, जबकि बोरा हमारा ये रहा, भरे हैं बोरे में और कुछ ये साइड, तो इसको इसमें डालते पहले। तो फाइनली ले जाने के लिए मैंने इसको गाड़ी पे एकदम से बढ़िया से फिट कर दिया, वो भी रबड़ लगा के, तो चलते हैं। और वैसे आज हम लेके आए पापा जी वाला बाइक, जो कि स्कूटी नहीं, जिसको मैं सामने रख दूँ तो चल जाएगा, इसको बांधना पड़ेगा पहले, और चलते फिर। वैसे अंधेला रखा है। फाइनली ब्लॉग इज एंडेड, एंड मैं परसों का ब्लॉग अब जाकर एंड कर रहा हूँ, बिकॉज अभी मैं एडिटिंग कर रहा था, तो मेरे को पता चला ना मैं स्टार्ट किया हूँ ना एडिट किया हूँ बाय मिस्टेक, क्योंकि मैं मॉर्निंग से ब्लॉग करना स्टार्ट किया था, उस टाइम मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था ब्लॉग को, तो कोई नहीं। फाइनली ब्लॉग इज एंडेड, एंड आई होप आपको हमारा ब्लॉग बहुत ही बढ़िया आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, सो बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। I'm not afraid to die.